हेलो ऑल वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अब्दुल पी पीएचडी कंप्यूटर साइंस में मैंने बिहार बोर्ड का कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को फॉलो करते हुए और मल्टीमीडिया वेब टेक्नोलॉजी के सिलेबस को फॉलो करते हुए प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी क्वेश्चंस पेपर मैंने बना दिया उसको फॉलो करते हुए आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी का पूरा मैंने सेट ला दिया है कि साइबर सिक्योरिटी के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लेवल पर अगर मैं ये पाँच सेट आप बनाओगे तो बहुत बहुत हाई चांस है कि अगर चार पाँच क्वेश्चन पूछता है तो वो यहीं से पूछेगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा तो इसमें साइबर सेट थ्री जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सेट वन एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग जरूर करना ओके लेक्स स्टार्ट टूडे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग

ऑफ अटैक इन वॉल्व्स ओवर हेलमिंग अ सिस्टम बाय फ्लडिंग इट द एक्सेसिव ट्रैफिक डी डॉस अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन अटैक से क्या करता है कि एक फ्लडिंग कर देते हैं पैकेट को एक्सेसिव ट्रैफिक उससे ज़्यादा सर्वर हमारा रुक जाता है और वो नहीं चलता है नेक्स्ट है विच क्रिप्टोग्राफी मेथड यूज टू सिंगल की फॉर बोथ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सिंगल की के लिए सिमेट्रिक की यूज़ करते हैं और सिमेट्रिक की के लिए जो है दोनों यूज हो जाता है पब्लिक की एंड प्राइवेट की सिंगल की जो है सिमेट्रिक की यूज़ होता है पब्लिक की के लिए दो यूज़ होता है क्या होता है पब्लिक की एंड प्राइवेट की एक होता है पब्लिक की को असिमेट्रिक की ही बोलते हैं और यहाँ पे आर भी जो है असिमेट्रिक की है यहाँ पे सिमेट्रिक की के लिए एक ही की होता है इंक्रिप्शन के लिए भी डिक्रिप्शन के लिए अगर दो कोई यूज़ करते हैं उसको असिमेट्रिक की बोल दो पब्लिक की बोल दो या आसे आर एस क्रिप्टोग्राफी भी बोल दो तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा ओके वट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द साइबर टेक्स बैक इन टू प्लेन टेक्स साइबर टेक्स को प्लेन टेक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं डिक्रिप्शन करते हैं और प्लेन टेक्स को साइबर में इंक्रिप्शन करते हैं इनकोडिंग नहीं होता है इनकोडिंग हैसिंग डिफरेंट इज दैट Um, तो विच सिक्योरिटी कंसेप्ट इज़ वैलेटेड वेन अनथराइज पार्टी गेन द एक्सेस टू द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास तीन सी आई ए होता है सी आई वन सी सी कॉन्फिडेंसिलिटी इंटिगटी और कॉन्फिडेंसिलिटी इंटीग्रिटी और एबिलिटी तो अगर मुझे अगर अगर मुझे किसी को आथराइज एक्सेस मिल गया तो कॉन्फिडेंशलिटी लॉस हो गया अगर डेटा जैसा था वैसा नहीं हुआ टेम्पर हो गया था इंटीग्रिटी लैब्स हो गया और जैस डेटा अगर अवेलेबल नहीं है जब यूज़र को रिक्वायरमेंट है तो अवेलेबिलिटी लॉस हो गया तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जाना होना चाहिए वट इज़ द मेन गोल ऑफ रेंसम रेनसम वेयर अटैक रेंसम वेयर अटैक का क्या गोल होता है डेटा एक्सप्ल्टेशन डेटा मैनिपुलेशन डेटा डिस्क डेटा इंक्रिप्शन फॉर द रेनसम डेटा इंक्रिप्शन कर देता है और उसके कुछ पैसे मांगते हैं कि मुझे पैसे दो तो मैं आपका डेटा को डिक्रिप्ट कर दूंगा देखने लायक बना दूंगा जो इंक्रिप्ट किया रहता है वट डज द टर्म फिशिंग रिफर्स टू फिशिंग रिफर इंटरजेंज Communication between two parties, no. Manipulating the DNS setting. स्टेलिंग देंसिटिव इन्फॉर्मेशन बायपोजिंग ट्रस्ट वर्दी इंटिटी है ना वही होता है स्टेलिंग इन्फॉर्मेशन बाय ट्रस्ट वर्दी इंटिटी तो उसको हम लोग फिशिंग बोलेंगे विच ऑर्गनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड फिशिंग पब्लिशिंग द साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन निस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलोजी यह निस्ट जो है यही गाइडलाइन बताता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में स्टैंडर्ड्स के बारे में वट इज द प्राइमरी परपज ऑफ यूजिंग कैप्चा इन ऑनलाइन फॉर्म्स ठीक है वेरीफाइंग द ह्यूमन यूजर्स कैप्चा का हम लोग यूज करते हैं कि वो बॉट नहीं है आप यूज ह्यूमन यूजर हो इसको पोरिफाई करने के लिए हम लोग कैप्चा का यूज करते हैं वट इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मल्टीपल सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड वट इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मल्टीपल सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम कॉल्डेंस इन डेफ्थ इन एक प्रैक्टिस होता है जिससे कि मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेशन सेल्फ रिप्लेक्ट वार्म होता है ठीक है ट्रोजन तो होता है कि बिहेव करता है कि मलेस है सॉफ्टवेयर जेनविन सॉफ्टवेयर और मलेली बिहेवियर करता है तो वो ट्रोजन हो गया वॉर्म क्या करता है रिप्लीकेट करता है इट सेल्फ को और विदाउट यूजर इंटरवेशन वॉर्म हो जाता है

विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सेक्योर ई मेल कम्युनिकेशन विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर ई मेल कम्युनिकेशन एस टी टी पी तो ई मेल कम्युनिकेशन एक ब्राउजर के लिए होता है ए सिंपल मेल ट्रांसफरकॉल लिए होता है जिसका फोन नंबर ट्वेंटी फाइव होता है और सेंडिंग ई मेल होता है एफ टी पी जो है फाइल टेप ट्रांसफर ट्वेंटी ट्वेंटी वन होता है इस एस एन एम पी सिम्पल नेटवर्क मेल ट्रांस प्रोटोकॉल होता है विच क्रिप्टोग्राफी अलगर्दम इज यूज फॉर डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक की इनक्रिप्शन विच क्रिप्टोग्राफिक अलगर्दम यूज टू डिजिटल सिग्नेचर एंड पब्लिक इनक्रिप्शन आर एस ए आर एस ए यूज करते हैं हम लोग डिजिटल सिग्नेचर के लिए और पब्लिक की इनक्रिप्शन के लिए वट इज द टर्म टू सेट द रूल दैट डिटरमाइन दैट वट एक्शन आर अलाउड और डिनाइड और नेटवर्क सिस्टम ए सी एल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में यही रहता है कि कौन सा अलाउड है कौन सा अलाउड नहीं है वट इज द पर्पज ऑफ हनी पॉट इन द साइबर सिक्योरिटी गैदरिंग द इफॉर्मेशन अबाउट द अटैकर विद अबाउट द अटैकर है विदाउट दबाउट दटेकर हनी पॉट क्या होता है रिसीव करता है अटैक और अटैकर के बारे में इंफॉर्मेशन लाता है तो वो हनी पॉट बोलते हैं हनीपॉट में बेसिकली क्या होता है अगर कोई अटैकर ने किसी चीज को अटैक किया और उसके अटैक करने के बाद जो है कुछ डेटा लॉस हुआ फिर से उससे वही चांस देते हैं फिर से अटैक करें तो बार बार अटैक करवाते हैं ताकि हम डेट उसके अटैकर के बारे में पता चले कि अटैकर कौन है कहाँ है इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हनी पॉट बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी में विच सिक्योरिटी प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट डेटा इज ट्रस्टवर्ती एंड एक्यूरेट है ना डेटा तो ये एक प्रिंसिपल होता है इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है डेटा ट्रस्टवर्ती इंटीग्रेटेड जो डेटा बनाया गया भेजा गया वही डेटा आया है ना और

जो का विच ऑफ द फॉलोइंग तो ऑथेंटिकेशन इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सिक्योरिटी मेजर फिजिकल सिक्योरिटी मेजर करने के लिए हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक फिशिंग अटैक है ना ये सब सोशल इंजीनियरिंग अटैक एक्सल इंजीनियर नहीं है डीडॉस नहीं है ब्रूट फोर्स नहीं फिशिंग इंजीनियर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन की

इंटरसेप्ट एंड कैप्चरिंग द इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक पैकेट इसने इंटरसेप्ट एंड कैप्चरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक को हम लोग बोलते हैं पैकेट स्नेफिंग इंटरसेप्ट इंटरसेप्टिंग एंड कैप्चरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक ठीक है ये मैंने 25 क्वेश्चन आप लोग अराउंड 100 क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी का जो कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का बोल लो यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा बस आप एक बार देख लो आपके लिए आंसर मैंने यहाँ दे दिया है इसलिए पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है जस्ट आप देख लो अगर आपका क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड सो दैट आई गेट सो मोर व्यू आई विल गेट मोर मोटिवेट अगर आप लोग ज़्यादा देखते हो तो मुझे मोटिवेट लगता है कि वो होता है हूँ मैं कि आपको हेल्प कर रहा हूँ मैं आपको लोगों के लिए ओके ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय विश यू द बेस्ट